आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, IBPS, डिफेंस या कोई भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, अगर आप उनका पैटर्न देखेंगे तो सभी पैटर्न में अनसीन और सीन पैसेजेस होते हैं। 5 नंबर से लेकर 7 नंबर तक आपको देते हैं, और यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपको ग्रामर की नॉलेज है, आपकी वोकैब बहुत अच्छी है और आपको सेंस निकालना आता है किसी भी सेंटेंस से, तो आप किसी भी पैसेज को कम से कम टाइम में कर सकते हैं। जो लोग प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पैसेज, अनसीन पैसेज, सीन पैसेज दोनों का प्रतिदिन अभ्यास करें, क्योंकि अनसीन पैसेज ऐसी चीज़ है जो कहीं से भी आ सकती है। आपके लिटरेचर से आ सकती है, फिक्शन हो सकता है, किसी इवेंट घटना के बारे में हो सकता है किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जा रही हो, और हो सकता है कि वो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी या बैंकिंग के बारे में बात की जा रही हो। यानी ये एक बहुत ही व्यापक सब्जेक्ट है, और जब तक आप हर सब्जेक्ट से रूबरू नहीं होंगे, तब तक आपको इसमें स्पीड मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहला काम, आज का जो प्रैक्टिस का पहला दिन है, उस पूरा करते हैं। प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हैं कि मेरे साथ इस अनसीन पैसेज को पूरा पढ़ें, वीडियो को पॉज करें और पहले पूरा खुद पढ़ें। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन साथ साथ करता जाऊंगा। और साथ ही साथ ध्यान रखें कि आपको एक मैं शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूं कि पैरावाइज पढ़ना सीखें। पहला पैरा जैसे ही ख़त्म होता है, आप पहला क्वेश्चन देखें, पहला पैरा के साथ पहला क्वेश्चन, दूसरा पैरा के साथ दूसरा क्वेश्चन। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम ये होता है कि पहला पैराग्राफ से ही पहला क्वेश्चन उठाया जाता है, दूसरे पैराग्राफ से दूसरा क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो आपके 5 में से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बहुत आसानी से बन जाएंगे। जो एक होता है उसके लिए आपको कुछ 5 सेकंड 10 सेकंड ज़्यादा देने होंगे, उसके लिए हम बाद में उतना टाइम दे सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा काम ये हो सकता है कि आप सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको एक सरसरी निगाह से देखें, उसके बाद पैरा पढ़ना चालू करें। तो जब आप पैरा को पढ़ेंगे सारे के सारे, तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस पहले से आपने जो पढ़ रखे हैं उनकी एक आउटलाइन क्रिएट हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि पहले क्वेश्चन का आंसर इस पैरा में से हो सकता है, दूसरे का आंसर इस पैरा में से हो सकता है। इस तरीके से आप चीज़ों को अटेंड कर सकते हैं। जो तरीका आपको पसंद आता हो आप उसको कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से एक बार प्रैक्टिस करके देखें। इस पैरा में ये वाला जो अनसीन पैसेज है, इसमें आप कोई सा भी तरीका लगाएं, जो नेक्स्ट अनसीन पैसेज होगा उसमें आप दूसरा तरीका लगाएं, जिसमें आपका टाइम जो है वो कम जा रहा है वो वाला तरीका आप अडॉप्ट कर लें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस का पहला दिन। और ये जो आपका मैं आपको करा रहा हूँ जो अनसीन पैसेज, वो डिफेंस, RRB, व्यापम, MPSI, IBPS, बैंक और बाकी के मिसलेनियस एग्ज़ाम्स में यूज़फुल रहेगा। इंस्ट्रक्शंस को हमेशा पढ़ें। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बिलो। द कॉलिजियम इज एन एंशियंट स्टेडियम इन द सेंटर ऑफ रोम। कॉलिजियम एक क्या है? एंशियंट स्टेडियम है जो कि रोम के बीचों बीच स्थित है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड। अपने आप में ही लार्जेस्ट है, विशालकाय है, विकराल है। इट इज़ वेरी ओल्ड, बहुत प्राचीन है। दे स्टार्टेड बिल्डिंग इट इन ईयर 70। 17वें साल में इसको बनाना शुरू किया था और 10 साल लग गए इसको बनने में। टिक 10 ईयर्स टू बिल्ड। इट इज़ स्टिल अराउंड टुडे। ये अभी भी स्थित है। द कॉलिजियम हैज़ बीन यूज्ड इन मैनी वेज। कॉलिजियम को कई तरीके से यूज़ किया गया। इन एंशियंट रोम्स मैन फॉट ईच अदर इन इट। पुराने रोम में जो मैन होते थे वो क्या आपस में लड़वाए जाते थे। दे फॉट अगेंस्ट लॉइंस, टाइगर्स एंड बियर्स। उनको जानवरों से भी लड़वाया जाता था, वो जानवरों से भी लड़ते थे। ओ माई इट वॉज़ ड्रेडफुल। देखिए, ड्रेडफुल का मतलब होता है कोई चीज़ जो भयवाह हो, भय पैदा करती हो, भयवाह के साथ साथ दुख पैदा करती हो। बट मोस्ट ऑफ द पीपल लव्ड इट। चूँकि ये काम एंटरटेनमेंट के लिए हुआ करता था उस टाइम पर, इसलिए लोगों को ये देखना पसंद था। एज मैनी एज 80,000 रोमन्स वुड पैक इनसाइड टू वॉच। 80,000 रोमन्स उस कॉलिजियम के अंदर बन सकते थे। दीज ग्रूसम इवेंट्स वेंट ऑन अंटिल 523। ये जो ग्रूसम इवेंट्स हैं, देखिए ग्रूसम का मतलब आप चाहें तो पॉज करके
इसको खुद से एक बार ग्रूसम को एक बार सर्च मार सकते हैं कि भाई ग्रूसम का मतलब क्या होता है। अच्छा शब्द है, ग्रूसम का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो हॉरर क्रिएट करती हो, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मतलब जो कि ज़रा सा भी दिल को अच्छा ना लगना, जिसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा बेकार लगना, ग्रूसम होता है ना। तो दीज ग्रूसम इवेंट्स, ऐसी चीज़ें जो ग्रूस ऐसे ये ऐसे इवेंट थे जो कि कैसे थे, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। वो कब तक चले, 523वें साल तक। द कॉलिजियम हैज़ बीन डैमेज्ड मैनी टाइम्स ओवर द ईयर्स। कॉलिजियम को कई बार कई सालों तक क्षति पहुँची। इट वॉज स्ट्रक बाई लाइटिंग इन द ईयर 217वें साल में किस में क्या हुआ, इसके ऊपर बिजली गिर गई। दिस स्टार्टेड अ फायर। मच ऑफ द कॉलिजियम इज मेड ऑफ स्टोन। काफ़ी सारा जो कॉलिजियम का भाग था वो किसका बना हुआ था, स्टोन। बट द फायर डैमेज द अपर लेवल्स। लेकिन फायर ने उसके जो ऊपर के स्तर थे उनको डैमेज पहुंचाया। दे वर मेड ऑफ वुड। और वो जो अपर लेवल थे वो किसके बने थे, लकड़ी के बने थे। दिस डैमेज टुक मैनी ईयर्स टू रिपेयर। ये जो डैमेज थी इसकी क्षतिपूर्ति, इसका रिपेयर करने में कितना टाइम लगा, बहुत सारा टाइम लग गया। इट वॉज नॉट फिनिश्ड अनटिल द ईयर 240। यानी 240वें साल तक इसकी रिपेयरिंग चलती रही। द वर्स्ट डैमेज हैपन्ड इन 1349। सबसे वर्स्ट डैमेज जो होता है, वर्स्ट मतलब सबसे बेकार डैमेज कब हुआ, 1349 में। अ माइटी अर्थक्वेक शूक रोम। एक अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक का मतलब होता है क्या, जिसे आप भूकंप बोलते हो, उसने रोम को हिला के रख दिया। एंड द कॉलिजियम, और कॉलिजियम को भी। द साउथ साइड ऑफ द बिल्डिंग कोलैप्स्ड। बिल्डिंग की जो साउथ साइड है वो ढह गई। पीसेस ऑफ द अरीना वर ऑल ओवर द ग्राउंड। उस अरीना का, उस एरिया के जो पीसेस थे जो कि कोलैप्स में जो पत्थर वगैरह थे वो सारे ग्राउंड में बिखर गए। मैनी पीपल टुक द फॉलन स्टोन्स। कई लोगों ने वहाँ के जो पत्थर जो गिर गए थे उनको उठाया, ले गए उनको। अदर टुक स्टोन्स फ्रॉम द सिटिंग एरियाज। वहाँ के जो बैठने का एरिया था वहाँ का जो स्टोन था, कुछ लोगों ने वहाँ के स्टोन उठा लिए। दे यूज देम टू रिपेयर्ड हाउसेज एंड चर्च। यहाँ पर रिपेयर्ड होगा, उन्होंने इसका यूज़ किस में किया, अपने हाउसेज या चर्च को रिपेयर करने में। द रोमन्स ऑफ दोज डेज वर नॉट कनेक्टेड टू द कॉलिजियम। उन दिनों के जो रोमन्स थे वो कॉलिजियम से इतना कनेक्टेड नहीं थे। इट हैड लास्ट बीन यूज एज कैसल बिफोर दैट इट वॉज ग्रेवयार्ड। लास्ट यानी बिल्कुल फाइनल डेज में अपने इसको एक किले की तरह इस्तेमाल किया गया। उससे पहले ये एक ग्रेवयार्ड था। ग्रेवयार्ड यानी शमशान घाट। इट हैज़ बीन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स सिंस द गेम्स। यहाँ पर गेम जो होते थे उनको खेले हुए कई सौ साल हो चुके थे। द डैमेज टू द कॉलिजियम वॉज नेवर रिपेयर्ड। और जो डैमेज हुआ था उसका कभी रिपेयर हुआ ही नहीं। इट्स गुड थिंग द आउटर वॉल ऑफ इट स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग। इट्स अ गुड थिंग। ये अच्छी बात है कि उसकी जो आउटर वॉल है, जो बाहर की जो वॉल है, बाउंड्री वॉल जिसको बोलेंगे हम, वो अभी भी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। टुडे द कॉलिजियम इज़ वन ऑफ द रोम्स मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन। रोम का सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शंस में से एक है, वो है कॉलिजियम आज के दिनों में। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू इटली टू सी इट। लोग अलग अलग जगह से इटली आते हैं, पूरी दुनिया से इटली आते हैं और इसको देखते हैं। इट हैज़ इवन अपीयर्ड ऑन द बैक ऑफ अ कॉइन। वहाँ के जो कॉइन है रोम के, उसके पीछे भी इसकी तस्वीर छपी हुई है। आई गेस दैट मेक्स इट ए सिंबल दैट मैनी पीपल वॉन्ट टू। और मुझे लगता है कि ये जो है, इसके साथ जो हिस्ट्री जुड़ी हुई है, इसने कॉलिजियम को एक सिंबल बनाया हुआ है, सिंबल बना दिया है जो कि कई लोग चाहते हैं। ये था आपका पूरा का पूरा अनसीन पैसेज। अब इससे रिलेटेड सवाल को देखते हैं। पहला सवाल, विच हैपन्ड फर्स्ट, क्या पहले हुआ था। अर्थक्वेक आया था, यानी एन अर्थक्वेक डैमेज द कॉलिजियम। द कॉलिजियम वॉज स्ट्रक बाई लाइटनिंग। द कॉलिजियम अपियर्ड ऑन द बैक ऑफ ए कॉइन। द कॉलिजियम कैसल।
यानी इन चार में से, चार इवेंट में से सबसे पहले, सबसे पहला इवेंट क्या हुआ था? देखिए, सबसे पहला इवेंट पहला या दूसरे पैराग्राफ में ऑलरेडी है, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके वहाँ पर जाके फिर से पढ़ सकते हैं और इसका जवाब दें। सबसे पहले क्या हुआ था इसमें? लाइटनिंग स्ट्रक हुई थी। देखिए, लाइटनिंग स्ट्रक हुई थी, 10 साल लगे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था? फिर आया था अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द रोमन फिनिश बिल्डिंग द कॉलिजियम? स्ट्रेट आंसर है, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आप इसका स्ट्रेट आंसर दे सकते हैं। देखिए, द ईयर 80, द ईयर 80, देखिए 17वें साल में बनाना शुरू किया था। उसके बाद की लाइन पढ़ी है, वहाँ पर लिखा होगा इट टुक 10 ईयर्स, 10 साल लगे बनने में, यानी 17वें साल में बना प्लस 10 साल, तो कौन सा साल हो गया? 80 ईयर। वॉट कॉज द फायर दैट डैमेज द अपर लेवल्स ऑफ कॉलिजियम? देखिए, साफ साफ आपको पता है कि पूरा जो कॉलिजियम का मेजर हिस्सा था वो किसका बना हुआ था? स्टोन का। हाँ, वेरी गुड। लेकिन उसके जो ऊपरी स्तर हैं, अपर लेवल किसके बने हुए थे? उसके अपर लेवल बने हुए थे वुड के। और जब बिजली गिरी, जब लाइटनिंग गिरी, तो उससे जो वुड के लेवल थे वो कोलैप्स कर गए थे। तो अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग जो था उसने फायर जो है वो प्रोड्यूस की, फायर की वजह से डैमेज होना चालू हुआ। फॉर विच पर्पस वॉज द कॉलिजियम नॉट यूज्ड? देखिए, नॉट यूज्ड लिखा है, ध्यान से देखिए, नॉट यूज्ड। नॉट यूज का मतलब किस पर्पस से यूज़ नहीं हुआ था, यानी जो जो उसमें मैंशनड है वो तो पर्पस से यूज़ हुआ होगा, लेकिन जो मैंशनड नहीं है उस पर्पस से नहीं। पीपल फॉट अदर पीपल इन इट, हुआ है। इट वॉज अ प्राइवेट कैसल, हाँ हुआ है। पीपल फॉट एनिमल्स इन इट, हाँ, एनिमल्स का भी नाम आया है कि लोग जो है वो एनिमल्स से भी लड़ते थे, टाइगर, बियर, लॉयन। इट वॉज अ मीटिंग प्लेस फॉर द गवर्नमेंट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इट वॉज़ ए मीटिंग प्लेस फॉर द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की मीटिंग के प्लेस का ऐसा कोई वृतांत नहीं दिया इस पूरे अनसीन पैसेज में। विच कॉज द मोस्ट डैमेज टू कॉलिजियम? सबसे ज़्यादा डैमेज किससे हुआ है? बिल्कुल स्ट्रेट आंसर आपको पता है, अर्थक्वेक। वॉट डिड द पीपल डू विद द स्टोन्स दैट दे टुक फ्रॉम द कॉलिजियम? जो स्टोन्स थे जो लोगों ने कॉलिजियम से उठाए थे, उनसे उन्होंने क्या किया? उनसे उन्होंने रिपेयरिंग का काम किया था अपने घरों का, चर्च का। ये भी सीधा सीधा स्ट्रेट आंसर है, ए। विच बेस्ट डिफाइंस द वर्ड ग्रूसम एज इट इज़ यूज्ड इन सेकंड पैराग्राफ? देखिए, पहले से ही वर्ड को मैंने हाईलाइट कर दिया था, लेकिन अब पता चला कि ये क्वेश्चन में भी आ गया है। तो ग्रूसम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? भयावह, डरावना। देखिए, इसमें एक्साइटिंग का मतलब डरावना नहीं होता, फनी का मतलब डरावना नहीं होता, बोरिंग का मतलब डरावना नहीं होता। हमारे पास सी ऑप्शन बचा हुआ है, आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं, सी ऑप्शन। Which best describes the main idea in the last paragraph? Last paragraph में जो main idea है वो किस तरीके से describe किया गया है? This is all about all the things the Collegium has been used for throughout the history. This is about how the Collegium is a popular place to visit today. This is about how the Collegium is a symbol that many people know. This is about how the Collegium is used today. देखिए, लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि इसको सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जो कि सभी लोग इस सिंबल के रूप को जानते हैं। और क्यों जानते हैं सिंबल के रूप में? क्योंकि इसके साथ बहुत सारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। विच इज़ नॉट ए वे इन विच द कॉलिजियम वॉज डैमेज ओवर द ईयर्स? देखिए, कॉलिजियम के ऊपर ऐसा कौन सा तरीका था जो यूज़ नहीं किया गया डैमेज होने के लिए? अर्थक्वेक आया था भाई, लाइटनिंग आई थी, फायर लगी थी, यानी बी ऑप्शन जो है टॉर्नेडो
वो आपका इसमें ऐसा टॉर्नेडो जो है, टॉर्नेडो मतलब चक्रवात तूफान होता है। चक्रवात तूफान के बारे में ऐसा कोई वृतांत नहीं दिया गया है एंसीन पैसेज में कि कॉलिजियम के ऊपर कोई तूफान आया था, अर्थक्वेक आया था, लाइटनिंग आई थी, फायर लगी थी। विच स्टेटमेंट वुड द ऑथर मोस्ट लाइकली एग्री विथ? द कॉलिजियम शुड बी रिप्लेस्ड विद अ बिल्डिंग दैट इज नॉट डैमेज्ड, द कॉलिजियम हैज इट्स प्लेस इन हिस्ट्री बट इट्स नॉट यूजफुल, द कॉलिजियम शुड बी यूज फॉर फाइटिंग वंस अगेन, द कॉलिजियम इज वेरी ओल्ड एंड हैज बीन यूज फॉर मैनी पर्पजेज। विच स्टेटमेंट वुड द ऑदर मोस्ट लाइकली एग्री विद? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि अनसीन पैसेज में ऑदर जो है उससे एग्री करता है? देखिए, आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप कोई सा भी जवाब अपनी मन मर्जी से ना दें, अपनी जी के टेस्ट ना करें। सबसे पहले देखिए कि ऑथर के अकॉर्डिंग क्या था। देखिए, ऑथर के अकॉर्डिंग कॉलिजियम जो है काफ़ी ओल्ड था और उसको कई पर्पसेस से यूज़ किया गया था, ये बात उसने साफ साफ कह रखी है। आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं अनसीन पैसेज, द कॉलिजियम इज़ वेरी ओल्ड एंड हैज़ बीन यूज फॉर मैनी पर्पजेस। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस का पहला दिन ख़त्म होता है। अपने डाउट्स को कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।